हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताते हैं कि कम से कम बजट में हमें कौन सी मछली का पालन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो नए हैं, या फिर जो पुराने फार्मर हैं, या जो फिर मछली पालन के लाइन में आना चाहते हैं, जिनके पास बजट कम है, पैसा कम है, लेकिन वो फिश फार्मिंग करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि फिश फार्मिंग में बजट ज़्यादा लगता है। तो उनके पास बजट ना हो, कम से कम बजट हो, तो उस बजट में उनके लिए कौन सी मछली प्रॉफिटेबल होगी, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि कम बजट में कौन सी मछली पाली जानी चाहिए। तो किसान भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं कि कम से कम बजट में कौन सी मछली का पालन हमें करना चाहिए। देखिए, कम बजट में ये सब बहुत सारे फार्मर जानते हैं, बहुत सारे इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो आए हैं कि कम बजट में सबसे अच्छी जो मछली है पाले जाने वाली, वो है ग्रास कार्प। जो ग्रास कार्प मछली है, इसको कम से कम बजट में पाला जा सकता है। क्यों ग्रास कार्प को कम से कम बजट में पाला जा सकता है? क्योंकि ग्रास कार्प मछली का जो मुख्य भोजन है, वो है हरा चारा। हरा चारा मतलब जैसे चेरी हो गया, बरसीन हो गया, चाइनीज ग्रास हो गया, दूब वगैरह हो गया, ये इसे खाती है, इसका जो पसंदीदा भोजन हो। और हरा चारा क्या है, अगर उसको देखा जाए तो लगभग ना के बराबर बजट में वो उपलब्ध हो जाता है बहुत आसानी से। तो इसी कारण की वजह से ग्रास कार्प मछली कम से कम बजट में पाली जाती है। हालांकि ये नहीं है कि अगर ग्रास कार्प मछली कम से कम बजट में पाली जाती है तो हम केवल ग्रास कार्प मछली का ही पालन करें। अगर आप केवल ग्रास कार्प ही मछली का पालन करेंगे तो आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जितना प्रॉफिट आपको होना चाहिए कम बजट में। जैसे कि कोई तालाब है 1 एकड़ का, उसमें स्टॉकिंग डेंसिटी जो है मछली की, वो 5,000 बच्चे हैं, 4 से 5,000 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं उसमें 4 से 5,000 आप केवल ग्रास कार्प ही डाल दीजिए। ऐसा करेंगे तो मछली, भले ही आप उसको हरा चारा दे रहे हैं, तो मछली ग्रोथ बहुत कम लेगी। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप चाहे जितना मछली डाल दीजिए और भरपूर मात्रा में हरा चारा खिलाइए तो मछली मार्केटेबल साइज या फिर 1 kg+ या 1 kg हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी भूल है, आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। जैसे चार स्टॉकिंग डेंसिटी है तो उसमें आप 2,000 से लेकर के 2,500 ग्रास कार्प मछली डाल दीजिए। उसके साथ साथ आप और भी मछलियों को डालिए, जैसे उसके साथ और जो मछली डाल सकते हैं, जैसे कि कॉमन कार्प। कॉमन कार्प क्या है, नीचे लेयर में रहने वाली मछली है, ग्रास कार्प ऊपर लेयर में रहने वाली मछली है। तो ग्रास कार्प मछली की एक खासियत है, इसे खासियत कहें या बुराई कहें, कि ग्रास कार्प जो मछली है वो एक दिन में अपने वजन का 3 गुना तक भोजन कर सकती है। तो जब उसे हम भरपूर मात्रा में हरा चारा देंगे तो उससे बीट जो वेस्टेज निकलेगा वो नीचे जमीन पे जा कर के बैठेगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो वेस्टेज है वो जमीन पे बैठेगा तो उससे अमोनिया वगैरह बढ़ेगा। लेकिन जब उसे वहीं पे हम अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प का मछली का स्टॉकिंग करेंगे तो जो ग्रास कार्प का जो वेस्टेज है वो उसे खाएगी, वो 0 बजट में उसके साथ साथ तैयार हो जाएगी। जब बीट निकलेगा ग्रास कार्प का तो तालाब में प्लेंटॉन बनेगा। प्लेंटॉन बनने के साथ साथ जब उसमें हम और भी 1-2%, 4% या 10% के हिसाब से और भी मछलियाँ डाले रहेंगे, जैसे 100-200 पीस, जैसे कि हो गया रोहू, हो गया कतला, हो गया सिल्वर कार्प, हो गया बिगेट, हो गया, तो प्लेंटॉन खा करके उसके साथ में ये भी तैयार हो जाएंगे। तो हमको लेयर का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सेकंड लेयर की बीच वाली मछली है ग्रास कार्प, ऊपर की कतला वगैरह होगी, नीचे के मुर्गा होगी। हालांकि बजट आपके पास नहीं है
तो 75% आप उसमें ग्रास कर पाएंगे। इस प्रकार से जब आप करेंगे तब जाकर के आप प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हरा चारा है तो आप 20,000 बच्चा एकड़ में डाल दीजिए हरा चारा खिला करके और 200 क्विंटल माल तैयार कर लीजिए और 200 रुपये ग्रेड से 40,00,000 रुपये का बेच करके 1,50,000 लगा करके 39.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लीजिए। ये कभी नहीं होगा, ये असंभव है, आपको उसको ध्यान में रखना। तो किसान भाई आशा करते हैं वीडियो देखकर कि आपको 100% सेवली समझ में आ गया होगा कि सबसे कम बजट में कौन सी मछली पाली जा सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।